अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास जी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हुए थे। वो एक बहुत बड़े सेठ थे, धनी व्यक्ति थे, बांधोगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और परमात्मा के पाने की एक विशेष रुचि थी। अपने जो हिंदू धर्म के अनुसार गुरु भी बना रखे थे, रूपदास नाम था उनका, उनके अनुसार साधना करते थे। परमात्मा उनको मिले, सच्चाई से परिचित करा, जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96-96 के मंत्र 16 से देकर 21 तक प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, रत धाम में, सत धाम में, वहाँ से गति करके आता है और एक दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्मा को मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, तत्व ज्ञान समझाता है। वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर है। अपनी इस गुण के आधार से वो परमात्मा धर्मदास जी को मिले, उनको फिर इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया। अब धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा सतलोक में, सचखंड में, उनकी आत्मा को लेकर गए। 3 दिन और 3 रात धर्मदास जी अचेत पड़े रहे, उनका शरीर बेहोश रहा। आत्मा को ऊपर ले जाकर के सब ब्रह्मांड दिखाए, अपनी समर्थता से परिचित करवाया। जब धर्मदास जी को वापस छोड़ा तब उन्होंने कहा था, अब धर्मदास जी पहले तो वकील बन रहा था उस अज्ञान का, फिर जब आंखों देखा भगवान को और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ ये रह रहे हैं, तब वापस आकर के परमात्मा के चरणों में गिर गया। प्रभु आपका ज्ञान अद्वितीय है, परमेश्वर आप स्वयं परमात्मा हो। अब तो दास ने जान लिया, आंखों देख लिया, हे परमात्मा आज तक जो हमें ज्ञान दिया गया, ये कहकर दिया गया कि वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है, इससे सिद्ध है कि ये पुराण और वेद बिल्कुल झूठे हैं, इनमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप हो परमात्मा और हमें परमात्मा बता गया पुराणों में के ब्रह्मा विष्णु महेश है, कि ऐसा लिखा है इनमें। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। वेद कतेब तो उनकी यथार्थता को बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सच्चाई है उसको लिखी है उनमें, लेकिन ये समझ नहीं सके, ये झूठे हैं। वेदों और इन पुराणों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, इनके विषय में स्पष्ट लिखा कि ये भगवान नहीं है और ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। और तुम बताते थे कि इनके माता पिता नहीं है, इनके माता पिता भी लिखा है पुराणों में। अब यह धर्मदास के गले ना उतरे कि पुराणों में ऐसा लिखा होता तो ये विद्वान पुरुष हैं, ब्राह्मण लोग, हमारे गुरु, इन्होंने तो कभी बताया होता, ये तो संस्कृत जानते हैं। तो परमात्मा ने उसको कहा, देख ऐसे ऐसे इन पृष्ठों पर लिखा है और उनको दिखा ले तेरे ब्राह्मणों को जाकर के, लेकिन कोई निष्पक्ष व्यक्ति ही इसका निर्णय दे सकता है। तो परमेश्वर कबीर जी को पहचान करके कुछ एक ब्राह्मण व्यक्ति जो पुण्य आत्मा थी, वो स्वीकार कर चुके थे कि आप जो कह रहे हो सच्चाई है और पुराणों ऐसा लिखा है। तब परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि ऐसे कर तू, पुण्य आत्माओं देखो भगवान स्वयं परमात्मा और हमारे जैसे तुच्छ जीवों के लिए ये कैसे यहाँ रे रे हो रहे हैं, कैसे यहाँ भटक रहे हैं, और हम इतने अज्ञान से रंगे जा चुके हैं, आंखों देखा है भगवान को कि कबीर इज गॉड, और ये सामने खड़े ये भगवान, और फिर भी उस अज्ञान आधार से उस पवित्र आत्मा को ये स्वीकार्य नहीं हो पा रहा अंदर से कि पुराणों में सचमुच ऐसा लिखा होगा। वो तो लेकिन मना भी नहीं कर रहे थे, कह रहे था कि जो आप कह रहे हो भगवान सही होगा,
सही है बिल्कुल, आप झूठ, आप तो मालिक हो, लेकिन अंदर में उसका अभी भी कमजोरी थी। तो परमेश्वर ने कहा आप इस संशय का निवारण करवाओ। एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, चारों वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज ज्ञाता जाने जाते थे। वो परमेश्वर की शरण में आ गए थे, तत्व ज्ञान से परिचित हो गए थे। उन्होंने कबीर परमेश्वर की जो है भक्ति स्वीकार कर ली थी, उपदेश ले लिया था। सर्वानंद जी की माता शारदा देवी थी, वो भी भगवान से परिचित होकर के उसे पहले ही नाम पर लग गई थी। अन्य ब्राह्मणों ने उनको अपने जाति से निकाल दिया था कि ये एक धानक के चेले हो गए, एक दुल्हे के शिष्य हो गए, और हम सेट भी जब हुआ, जब हमारी अमरोड निकल जाए, तब सर्वानंद जो परमात्मा के शिष्य हो गए थे, वो वेदों और कतेबों गीता को पढ़ तो लेते ही थे, संस्कृत आती थी उनको, तब धर्मदास के पास बैठा दिया सर्वानंद को, अक बेटा बता दे इसने पढ़ के संस्कृत में जो जो मैंने पृष्ठ बताए थे उन पे क्या लिखा है। जब सर्वानंद उनको पढ़ा सुना रहा है और धर्मदास की आंखों में आंसू आ रहे हैं, अरे कह रहा है थरा गजब यो ब्राह्मणों, तुम नजर बैठा बैठा रखे। अब देखो सर्वानंद भी ब्राह्मण था, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, नकली ब्राह्मणों ने उस ओरिजिनल ब्राह्मण को रिजेक्ट कर दिया। जब उसका समझ में आ गई भगवान कौन है, तो क्या दिखाया श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, परमात्मा क्या बताते थे, जो सत्य पाया। और आज वही आपके समक्ष ये दास बता रहा है, परमात्मा का बताया हुआ ज्ञान आपको समझा रहा है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये नाशवान है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक गणमान प्रसाद गोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं, 123 पृष्ठ पे और तीसरा स्कंध है, ये देखिएगा 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता की स्तुति करते हुए कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो। ये देवी दुर्गा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। भगवान विष्णु कह रहे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव मीन मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया, ये तीनों स्वीकार करें हमारा जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये तीनों गुण हैं और केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जो जिसके भाग में वैसा ही दे सकते हैं, ये इनका सिद्धांत है। इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत ने चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर एक, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर दो, दुर्गा इनकी माता है। और नंबर तीन, ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। और चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा पुण्य पाप है केवल वही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
अब दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये ईश नहीं है, भगवान नहीं है। आपको शिव पुराण दिखाते हैं। देखो इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में जो अनुवाद किया गया है उसमें बहुत से तथ्यों को छुपा दिया, फिर भी सच्चाई नहीं छुप पाई। लेकिन हमारे पास एक पुस्तक उपलब्ध है जिसमें मूल पाठ भी है, पूरी संस्कृत भी लिखी है शिवपुराण की, और साथ में अनुवादकर्ता ने अनुवाद भी लिखा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया हुआ है, साथ में संस्कृत है और उसके साथ में हिंदी है, बहुत अच्छा किया है। अब क्या हो गया, जैसे पुराणों का इन्होंने जो अनुवाद किया है गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने, अब उन्होंने केवल हिंदी हिंदी लिख दी और पुराणों की मूल संस्कृत से हम अपरिचित रहे। तो जो भी उसमें लिखा था हमने सच्चाई मान ली, ठीक अनुवादकर्ता विद्वान थे, इन्होंने सही अनुवाद किया होगा, लेकिन उन्होंने बहुत से तथ्यों को छुपा दिया। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता को हमने आँखों देखा और पढ़ा तो उसमें बहुत सी त्रुटियां पाई। इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया, व्रज का अर्थ जाना होता आना कर दिया, जबकि गीता जी के बोलने में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं, उसमें प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है वो समझ नहीं सके, तो सारा कुछ घुमा कर श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मानकर उस आधार से गीता जी के अर्थों का अनर्थ कर डाला। अपने आत्माओं शुक्र है परमात्मा का कि ये गीता जी भी अब केवल हिंदी में अनुवादित आने लगी थी, और कुछ दिनों के बाद गीता जी की ओरिजिनल संस्कृत से हम कति अपरिचित हो जाते, और जो उन्होंने गपोड लगा रखे उन केवल हिंदी वालियों में उसका कितर आसपास भी नहीं, पता नहीं क्यों का क्यों बना रखा, एक राजा था एक रानी थी, इस तरह की कथा कर रखी बालकानी। तो सौभाग्य आपका ऐसे समय में आपका जन्म, और ऐसे समय में परमात्मा ने इन सदग्रंथों को हमारे रूबरू करा दिया कि अभी तथ्य ज्यों के त्यों विद्वान है। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक, और ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण, इसके अनुवादक हैं विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से छपी है। यह इनका पूरा प्रिंटिंग प्रेस भी है इनकी, ये प्रिंटेड बाय संजय बजाज फॉर MS खेमरा श्री कृष्ण दास प्रोपराइटर्स श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई। इतना अब हम पहुंचते हैं इसके तीसरे स्कंद पर, इसमें थोड़ा सा एक मौखिक सुनाते हैं फिर आपको ये आसानी से समझ में आएगा। जो प्रकरण ये दास आपको दिखाने जा रहा है उसकी कुछ थोड़ी सी भूमिका बताते हैं। एक बार श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहते हैं कि मैं तेरा जनक हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ और तू मेरा बेटा है, पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा जी को कि मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न है। इन दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ये भ्रम कैसे हो गया कि मैं भगवान हूँ, वो कहता मैं भगवान हूँ, मैं ईश हूँ, वो कहता मैं ईश हूँ, स्वामी हूँ। जैसे ये काल क्या करता है, ये काल भगवान गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि मेरा एक अनुतम अटल विधान है घटिया कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे मनुष्य मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूँ। अर्जुन को कह रहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो छुपा रहता हूँ और अब प्रवर्त हुआ हूँ, उबार निकल कर दिखा रहा था अपना सारा विराट रूप, और फिर उसको समेट कर श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। जैसे
प्रेत बढ़ घुस जाता है। अब ये बातें हमारे समझ में देर से आऊंगी। तो क्या था कि इन साधु ऋषियों ने साधनाएं की, हठ योग किए, समाधिस्थ होने की चेष्टा की, सैकड़ों वर्ष बैठे रहे। तो इस काल ने सोचा ये उठे यहाँ से, अपना लगे कित काम। तो समाधि दशा में किसी को तो ब्रह्मा जी का रूप बनाकर और अंदर दर्शन दे दिए। वो ऋषि उठाया कि मैंने भगवान पा लिया, जिस उद्देश्य से मैं समाधिस्थ हुआ था उसमें मैंने भगवान श्री ब्रह्मा जी को देखा। और आकर के ब्रह्मा जी के पास, जो उनके सामने हमेशा रहते थे सगुण हैं, इनके सामने कहा कि आप भगवान हो, आप तो पूर्ण परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो। और भी हजारों को बता दिया कि ये परमात्मा हैं, ये सृष्टि के रचनहार हैं, और मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए। और भी चार पांचा ने को ऐसे ही इसने दर्शन दे दिए श्री ब्रह्मा जी के। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भ्रम पैदा कर दिया कि सचमुच तू ही भगवान है। अब उसका यह फिट होगी शायद मैं भगवान हूँ। इस दृष्टिकोण से उसने मान लिया कि मैं ही सबका सृष्टि करता हूँ। अन्य किसी ने जो साधना करने की चेष्टा की, समाधिस्थ हुए, उनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए इसी काल ने। ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, मैं छुपा रहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म माने कार्य, वो कैसे अलौकिक हैं? अब आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि जैसे अब इस बात को ध्यान रखना कि ये सच्चाई है। और किसी ने साधना चेष्टा की, ऋषि महर्षियों ने, साधकों ने, तो किसी को भगवान शिव जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो वो कहने लगे नहीं, शिव जी ही पूर्ण परमात्मा है, उनकी स्तुति करने लगे, उनके आगे जाकर बैठ जाते, तो आप छुपाए हुए हो। आप ही सर्वेश्वर, मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर, आप ही अजन्मा हो। तो ऐसे या कहानी काल ने बिगाड़ रखी थी कि ये पूर्ण परमात्मा से अपरिचित रहें और यहीं उलझ पुलझ रहें। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसे अलौकिक कार्य करता है, मेरे जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं इसके, ये बताता आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, इसमें दोनों संस्कृत भी और हिंदी दोनों उपलब्ध हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके अनुवादक कौन है? मुनि लाल गुप्त। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गोविंद बन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब एक इसके 233 पृष्ठ पर आपको पढ़ाते हैं। अब चतुर्थ अंश अध्याय 2, और यहाँ देखिएगा अध्याय 2, चतुर्थ अंश के अध्याय 2 के हम ये श्लोक पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। ये 22वां श्लोक है अध्याय 2 का चतुर्थ अंश का। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव संग्राम हुआ, उसमें महाबलवान दैत्य गणों से पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा, अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होऊंगा, उसमें प्रवेश करूंगा मैं। अपने आत्मा क्या था? अब कहानी क्या थी कि राक्षसों से देवता आर गए, फिर उन्होंने जाकर के कहीं एकांत स्थान पर छुप कर भगवान से प्रार्थना करी, हमारी रक्षा करो, राक्षसों से हमें बचाओ।
तो ये काल जो है ये सलसीदर करता है, ये श्री विष्णु जी के रूप में प्रकट हो गया आकाश में और उनसे कहा कि तुम सुनो, आकाशवाणी कर दी, सब ने देखे भगवान विष्णु है तो, कि जाओ तुम ऐसा करो, ससाद का जो पुत्र है पुरंजय, मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा, अवतीर्ण होगा और उसने तैयार कर लियो युद्ध के लिए, मैदान में खड़ा कर लियो। ऐसा ही हुआ, इस काल ने जो विष्णु रूप में उन देवताओं को दर्शन देकर गया था उसमें प्रवेश करके पुरंजय में राक्षसों को मार डाला। फिर एक बार नागों का और गंधर्वों का युद्ध हो गया, गंधर्वों ने नागों को पराजित कर दिया, वो सब लूट लिए उनके सारा धन, तो वो नागवंशी जो व्यक्ति थे वो छुप गए कि वहाँ प्रार्थना की। फिर ये विष्णु फिर उनके सामने प्रकट हो गया, उनसे कहने लगा कि तुम जाओ, मैं मानदाता का जो पुत्र है पुरकुत्स के शरीर में प्रवेश होऊंगा, प्रविष्ट होऊंगा और उन गंधर्वों का नाश कर दूंगा, आप उसको युद्ध के लिए तैयार करो। अब ये कहता है मेरे जन्म और कर्म यानी मेरी वर्किंग, मेरे कार्य अलौकिक हैं। अब दिखाते हैं आपको इसी विष्णु पुराण के 243 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा, ये 243 पृष्ठ है और चतुर्थ अंश अध्याय 3, ये 242 पृष्ठ है और ये है श्री विष्णु पुराण, यहाँ देखिएगा नीचे, और अध्याय नंबर 3 तीसरा अध्याय, इसमें संस्कृत भी साथ है। अब इसके चौथे श्लोक से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे, उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आँखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम करके उनसे नाग गण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, विष्णु ने योनासो के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। स्पष्ट हो गया, ये कहता मैं उस पुरुकुत्स में प्रवेश होऊंगा, भूत की तरह बढ़ूंगा, उसमें प्रवेश करूंगा और फिर दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ हमारे पास विद्यमान है, ये कम से कम 5500 वर्ष पहले लगभग लिखे गए थे वेद व्यास जी द्वारा और आज तक इनके रहस्यों को कोई समझ नहीं सका। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो दास आज आपके रूबरू करा रहा है इन सदग्रंथों को, ये सच्चाई भगवान ने पहले बताई थी और उनकी अमृतवाणी में लिपिबद्ध है। लेकिन उस समय इन नकली गुरुओं ने ये कह करके भगवान को रिजेक्ट करवा दिया कि ये अशिक्षित है, संस्कृत भाषा नहीं जानता है और ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के विषय में। आज वही पवित्र सदग्रंथ हमारे सामने है और हम खुद पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, जैसे अभी आपको दास जो सुनाना जा रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में जो जानकारी है कि ये ईश नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये अपने पुराणों में लिखा है। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे आपको बताया किसी ऋषि में प्रवेश करके, जैसे किसी ऋषि ने साधना करने की चेष्टा की, समाधिस्थ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी के रूप में अंदर दिखाई दे गए, उसने मान लिया ब्रह्मा जी इज कंप्लीट गॉड और ये ब्रह्मा जी के सामने भी कह दीजिए आप परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो।
फिर किसी को इसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिया, अन्य को उसने कहा कि विष्णु जी आप सर्वेश्वर हो, आप सारी सृष्टि के मालिक हो, मैंने समाधि दशा में देखा आपकी नाभि से कमल देखा, उसमें ब्रह्मा जी को बैठा देखा, आप जगत के उत्पत्ति करता हो, आप स्थिति करता हो, आप ही सर्वेश्वर हो। और इन बातों से विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं भगवान हूँ। तो ऐसे एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी। अब ब्रह्मा जी चले गए वहाँ पर, तो विष्णु जी खड़े नहीं हुए और कहा आ जाओ, उनको कोई सत्कार नहीं दिया, तो जिस कारण से ब्रह्मा ने विष्णु जी को खरी खोटी सुना दी कि मैं तेरा बाप आया हूँ और तू मेरा आए हुए का सत्कार नहीं करता अपने गुरु का, ये सारा संसार मुझसे उत्पन्न है, तू मेरा ही पुत्र है। विष्णु जी कहने लगे आजा पुत्र बैठ जा, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे जगत का कर्ता कहता है, तू मेरा बेटा है। वो कह तू मेरा बेटा, उन्होंने कह तू मेरा बेटा, वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। इसी बात पर दोनों भगवान आगे लठ बाज गए, युद्ध हो गया। बताओ ये नाम पूजा करते, ये देखिए अब दिखाते हैं आपको श्री शिव पुराण। पुण्यात्माओं परमात्मा का पाना बहुत आसान है, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी बिल्कुल सिंपल है। यह कठिन तो इन्हें बना दिया ज्ञानिया नठियो कर करके साधना खड़ी होकर की तो तप करके की तो जल में खड़े होकर के कहीं पर जो है धोने लगा करके कहीं वैसे खड़े होकर तप करके, ये तो बकवाद है। हठ योग किसी भी सदग्रंथ में नहीं लिखा है कि हठ योग करना चाहिए, और श्रीमद् भगवद गीता में उसको मना किया है कि जो हठ योग करते हैं वो मुझे भी दुखी करते हैं और इसके अंदर शरीर के अंदर जितने भी प्रधान हैं स्थान हैं उनको भी परेशान करते हैं ये। तो ये हठ योग लोक वेद है, शास्त्र विधि त्याग के मनमान आचरण। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विदा अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से छपी है। और ये यहाँ इसका पूरा विवरण दिया है इसके इस पृष्ठ पे देख। शिव पुराण 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 6 यहाँ से शुरू करते हैं। ये प्रथम श्लोक है। नंदीकेश्वर बोले हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी विश्राम कर रहे सोए हुए थे। उस समय देखियो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, इनकी उपमा देखो इनके प्रति, अपनी इच्छा से ही वहाँ आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मज्ञानी ने ये नहीं पता है, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, शयन सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहे विष्णु जी को, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्राश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो था कसूता, लेकिन दिखाया नहीं ऊपर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले हे वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? यानी कति गुस्से में आकर आँख टेढ़ी करके झगड़े के लिए आदमी कर लेता है ना, बांगा मुँह करके कहते हैं तू
आंखा ने क्यों तरेर रहा है और मांगा मुंह क्यों कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अपनात्माओं, देखो हमारे देवताओं के लक्षण। दो भगवान तो लड़न लाग रहे हैं, लठम लठा एक दूसरे के शत्रु हो रहे हैं, और देवता ऊपर तो फूल बरसावे हैं, के शाबाश कर दो काम है, शाबाश। जैसे झोटे लड़ाया करें वैसे, अकबर ना लड़े तो उन किलकी दे दे लड़ाया करें, बिड़न दो इनको। अरे देवता को इनको, इन्हें तो बताओ आम व्यक्ति से भी गिरे गुजरे ये, इनको बीच में आना चाहिए था। देवता थे तो खड़े हो जाते, भगवान आप लड़ोगे तो अन्य आपसे क्या शिक्षा लेंगे, और इनका छुटाव करना चाहिए था, ना जाने कितने मर जाए युद्ध में। हरिनो के ऊपर से फूल बरसाओ और युद्ध देख के खड़े होकर, देखो झोटे बढ़ा करें, खागड़ बढ़ते हैं वैसे, और उन्हें देखते हैं गांव वाले दूर से, हर शाबाश, ये आचरण तो हमारे देवताओं के हैं, और ऐसे आचरण उन भगवानों के जिनको हम भगवान मान रहे थे। ओ कह तू मेरा बेटा, ओ कह मैं तेरा बेटा। ये चौथी कक्षा के बालक लड़ा कर, चौथी तीसरी कक्षा के बच्चे झगड़ते हैं, अध्यापक बुलाता है, क्यों लड़ रहे हो तुम आपस में, क्यों झगड़ रहे हो। वो एक कहता, जी ये नू बोला मैं तेरा बाप, वो बोला जी ना पहले यू नू बोला मैं तेरा बाप, इसलिए वो उसका कमीज पाड़ रखा, उसने उसका गुट मार रखे। तो ये ऐसी बुद्धि के इस सतर की का नॉलेज था इन हमारे भगवानों का, चौथी क्लास के बच्चों जैसे थे जिनको हम भगवान मान रहे। उन्होंने कहा मैं तेरा बाप, उन्होंने कहा मैं तेरा बाप, राजा लठम लठा, ये भगवानों के लक्षण थे। और आगे इसी पुराण में लिखा है कि यू खुद कहता है काल आकर के इनके सामने प्रकट हो जाता है शिव रूप में। ये खुद कहता है मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, मैं किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता। तो वहाँ शिव जी के रूप में शंकर भगवान की रूप में आकर खड़ा हो गया और उन दोनों को समझाने लग गया कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, बहुत बड़ी गलती की है। अब आगे आपको संक्षिप्त में दिखाते, इसमें बहुत बड़ा विवरण है, लेकिन हमने अपना आवश्यक प्रकरण लेना है। देखिएगा, अब ये वही शिवपुराण हम पढ़ रहे हैं, और अब हम इसका 17वां प्रश्न पढ़ेंगे। 11वां हमने पढ़ लिया, 11वां पर अपना आवश्यक प्रकरण हम लेकर के अपना, अब 9वां अध्याय आ गया, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का 9वां अध्याय, और इसमें 28वें श्लोक में नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, जब उनको समझा समझू के क्या हुआ, और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, किसने, भगवान काल ने जो शिव रूप में आ गया था। अब वो लड़ रहे थे, उनके बीच में जब वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो उनके बीच में इस काल भगवान ने एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर है, और बिल्कुल बहुत सुंदर उसमें से प्रकाश निकल रहा था। तो ये दोनों झगड़ा बंद कर गए और उसको ऊपर नीचे खोज करने लग गए उसके एंड की। अब ज़्यादा विस्तृत जानकारी ना देकर के हम अपने उस प्रकरण पर आते हैं, पॉइंट पे, कि फिर वो स्वयं आके खड़ा हो गया उनके पास शिव रूप में, अपने पुत्र त
तमोगुण पुत्र शिव के रूप में आके खड़ा हो गया। अब दोनों को समझाने लगा वो किस प्रकार, तो देखिएगा अभी आपको दिखाया ये सत्रहवां, ये पृष्ठ 17 और 9वां अध्याय विद्वेश्वर संहिता भाग 1 9वां अध्याय। अब हम यहाँ आगे हैं इसके, ये हमने पढ़ लिया। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है। अब पहले तो सतम था, वो सतम तनों का निराकार है मेरा, निसकल है, और अब मैं मूर्तिमान यानी साकार रूप में तुम्हारे सामने हूँ। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो बीच में सतम खड़ा होते हो कह निष्कल है, और ईश्वर रूप सगुण है जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश मान लिया, भगवान माना, यह बड़ा ही, तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना यह बड़ा अद्भुत हुआ। यदि तुमने कहते हैं जुल्म कर दिया, आश्चर्य कर दिया, इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो यहाँ कहता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि ही मेरा कर्त्य है, सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, समतो और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, मैं इस सब का ईश हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, उस स्तंभ का कह लठ का। अब हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे, इसमें 10वां अध्याय ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 और पृष्ठ 18 पे। अब यहाँ ये 9वां अध्याय यहाँ से खत्म हो गया, इति हो गया यहाँ पर, इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9 अध्याय। अभी 10वां शुरू हो गया, अब हम 10वें में यहाँ पढ़ेंगे नीचे इसी 18 पृष्ठ पे है। हे पुत्रो, ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि और उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा जी को क्या है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति का महकमा तेरे को दिया है और पालन वाला विष्णु को दिया है, ये मैंने दिया तुम्हारे को, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब देखो पुणात्माओं, दो तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, और रुद्र और महेश चार तो ये हो गए, और पांचवा यो बोलन लग रहा, तो इससे सिद्ध है कि यो महेश भी ईश नहीं है। ईश तो यू कह मैं हूं बस, आगे देखो ये ब्रह्म है, ये क्लियर होना है, ये स्पष्ट हो जाएगा आपके समक्ष। अब 19 पृष्ठ पे इसी पुराण में अब ये क्या कहता है, यहां से हम पढ़ेंगे।
ये कहते हैं कि सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल हो जाता है। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक, ये ओम मंत्र ओंकार नामक मंत्र जप करो। ब्रह्मा और विष्णु को उनका पिता बोल रहा है, ये काल पुत्रो, ये ओम नाम का जाप करो, यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा आत्मा है और इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। इति सिद्धम ओम, ओम तो ब्रह्म का जाप है, तो ये ब्रह्म है, ये शिव रूप में खड़ा है यहाँ पर। उत्तर की ओर से मुख से अह। अब इस ओमकार में पांच मंत्र बताए, पांच अक्षर हैं। उत्तर की ओर के मुख से अकार यो ए, और पश्चिम की मुख से ओंकार, दक्षिण के मुख से मकार, और पूर्व के मुख से बिंदु यो चौथा, और मध्य के मुख से नाद, मध्य के मुख से नाद, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांच प्रकार से निर्गत हुआ, इस प्रकार पांच प्रकार से निर्गत हुआ वह सब एक होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये काल ही है, कह रहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुस्मरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। ये मेरा ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है, यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात क्षत्रिय पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग दो का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिवा शक्ति का बोधक है। ये इसी ओंकार से सब जगत का बोधक परमण उत्पन्न हुआ है, यानी ओम कहो ओंकार कहो परमण। अकार आदि से अर्थात नकार उकार मकार मकार से ये इस तरह ये एक ओम ही बनता है, और इसी पंचाक्षर से पांच भेद से मात्र अकार से लंकार से ये कहते हैं, और नरे मंत्र हो गए। इसमें कहीं भी ओम नमः शिवाय जाप करण का कहीं संदेश नहीं है। ये जो केवल हिंदी वाली है उसमें ओम नमः शिवाय जो लिखा है वो इनका मनमुखी और बकवाद है सारी। ये देखिएगा, ये संस्कृत भी हम पढ़ सकते हैं, एक ही भूत है। पुनः तत् ओम इति एक अक्षरो भवत, एक ही भूत भूत है। पुनः तत् ओम, ओम इति एक अक्षरम भवत, वो एक ओम एक अक्षर हो गया, जिसका अनुवाद इन्होंने यहाँ कर रखे हैं। यह सब होकर के एक ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है, ये 19 नंबर है। अपनात्मा, अब आपके समक्ष ये क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये महेश ये भगवान नहीं है, और जो इनकी भक्ति करता उनका मोक्ष नहीं है। कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, तीन देव की करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति, और इस बात का इतना बुरा मना दिया उन लोगों ने, अज्ञानी गुरुओं ने बोली जनता को परमात्मा का शत्रु बना दिया। और आज वही तथ्य हमारे सदग्रंथों में विद्वान आप रूबरू कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अपनात्मा, इस पवित्र शिव पुराण से ये स्पष्ट हो गया कि ये गीता ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म ही है,
और ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल रहा है, ये कहता मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, ये कर्म इसके न्यो अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है, मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आप न मन्यते, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त का अर्थ क्या होता है, निराकार नहीं। जैसे बादल छा जाते हैं दिन के समय में और सूर्य के सामने बादल आ जाने से सूर्य अदृश्य हो जाता है, तो उस स्थिति में वो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, छुपा हुआ बादलों से पीछे, लेकिन साकार है। इसी प्रकार ये कहता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे अव्यक्त को ये कृष्ण मान रहे हैं, व्यक्ति रूप में आया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, अपनात्मा आपके समक्ष। अब ये 4-5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान श्री देवी भागवत, तीसरे स्कंद 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित थी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, दूसरा दुर्गा इनकी माता है, तीसरा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी है, और चौथा ये कहते हैं हम केवल नियमित कार्य कर सकते हैं, हम किसी के कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये स्पष्ट भी हो गया श्री शिव पुराण मुंबई से प्रकाशित, खेमरा से कृष्णदास प्रकाशन की, हिंदी भी साथ में संस्कृत भी साथ में, उसमें स्पष्ट हो गया कि ये काल कहता है, ये ब्रह्म कहता है, ब्रह्मा और विष्णु आपस में जब झगड़ रहे थे वहां पहुंच गया कि तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने आप को इस मान बैठे हो। तो इसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, ये ईष्ट रूप में पूज्य नहीं हो सकते, और जो हमें इनको सर्वेश्वर महेश्वर सर्वशक्तिमान सबके दाता इनके माता पिता नहीं कोई भी, ये ऐसा जो बताते थे वो अज्ञानी गुरु थे, उन्होंने आज तक परमात्मा को हमें पहचानने नहीं दिया। अब हम पहचानेंगे उस परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आपको शिक्षित बना दिया, और शिक्षा का यदि एकमात्र लाभ है तो यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे और पीछा छुड़वा लेंगे। ना यहाँ पर चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो जा और कल न मृत्यु हो जा, परसों फिर क्या होगा, गधे रूप में खड़ा पाओगा कितने, बता क्या है यहाँ की चौधरी, क्या है यहाँ की महिमा, ये सब नकली है, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबी नाकाल का कुछ मुख में कुछ बोध। अब हम आप जी को, अब जैसे धर्मदास जी ने पूछा था कि भगवान वेद और पुराण तो झूठे हैं, परमात्मा ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये संस्कृत के विद्वान दिखाई दे थे, इनको कह का नहीं पता था आध्यात्मिक मार्ग का, इसलिए परमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नैन चसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे, किसी का सफेद मोतिया हो जा उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, नपटंदा होता वो, कंप्लीट ब्लाइंड, और उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, स्वस्थ कि इन्हें सारा कुछ दिखता होगा। तो ऐसे ये संस्कृत भाषा के जानने वाले हमने ऐसे दिखाई देते थे, बड़े विद्वान हैं ये अध्यात्म मार्ग के। तो परमात्मा ने कहा ये मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष होने का जो मोती यानी बहुमूल्य वे ऑफ वर्शिप, जो सही पूजा की विधि और पूर्ण परमात्मा जो लाल रूप है वो इनको दिखाई नहीं देता, इन्हीं सदग्रंथों में है उसकी महिमा। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे दिखत के तो नैन चसम, इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब कहते हैं ये दिखे विद्वान के बड़े विद्वान हैं, इनका मोतिया बंद है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रूपी नेत्रहीन है ये, और तुम इनको विद्वान मानते थे केवल एक संस्कृत के जानने मात्र से, एक भाषा के ज्ञान से विद्वान नहीं होता कोई।
किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो कहाँ का विद्वान, अंग्रेजी आती है तो उसको हिंदी नहीं आती या पंजाबी नहीं आती या फिर संस्कृत नहीं आती, तो वो काहे का विद्वान। और परमात्मा सर्व लैंग्वेज जानते थे, वो हर पशु पक्षी की भाषा भी जानते हैं और सबकी भाषा जानते हैं, और अपने वाणी में सबकी भाषा का योग है, उसमें सबकी भाषा बोल रखी है पूरे विश्व की। अब हम आपको परमात्मा की वो दिया हुआ ज्ञान, वो अनमोल तत्व ज्ञान आपके समक्ष कर रहे हैं। अब जैसे गीता जी को हमने समझना है, अब इस दृष्टिकोण से कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे उसमें, ये काल प्रवेश करके बोल रहा था, वो क्या कहता है गीता जी अध्याय नंबर 7 को आपके रूबरू कराते हैं। उसमें ये कह रहा है कि अर्जुन अब तुझे ऐसा ज्ञान दे दूंगा, इसके जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, शेष नहीं रहेगा। देखिएगा पुण्यात्माओं, पहले हम गीता जी का नित पाठ किया करते और कभी बोर नहीं होते थे, पूरा पढ़ के छोड़ा करते, चलो पढ़ते थे आधा पढ़ते, अगले दिन पूरा करते, दूसरे दिन करते, बड़ा होता था। और अब उसके अर्थ का पता नहीं था और फिर भी रुचि थी हमारी, क्योंकि ये बहुत अनमोल ग्रंथ मानते थे हम, और है भी। तो आज इसके रहस्य को हम समझ रहे हैं, तो इसको 100 बार पढ़ देंगे तो भी कम है, इतना इंटरेस्ट आना चाहिए हमारे को, इतनी खुशी होनी चाहिए। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम इसके 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, ऐसा जान। वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता काल है, ये क्या कह रहा है इसको पहले अच्छी तरह समझेंगे, फिर हम ये पवित्र सदग्रंथ हमारी समझ में आओगा। ये क्या कहता है कि जो रजगुण तमगुण सतगुण से, यानी रजगुण ब्रह्मा जी से जो उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सती थी, और तमगुण शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूँ, इसका निमित्त मैं हूँ, लेकिन मैं इन में नहीं और ये मुझ में नहीं, मैं इनसे अलग छुपा रहता हूँ। अब पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसके लिए थोड़ा सा हिंट देते हैं श्री शिव पुराण का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्री शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते, थोड़ा सा हिंट देंगे, ये रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 110 यहाँ देखिएगा, ये 9वां अध्याय समाप्त होता है इसके लास्ट में, अंत में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण यो महेश, इन तीनों देवताओं में गुण हैं परंतु शिव गुणातीत माने गए। वो इनका पिता है, वो इनसे न्यारा है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न रहता है। इसे एक तो ये सिद्ध हो गया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनमें तो गुण हैं और वो इनसे अलग है। यही एक है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 में कह रहा है कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब दिखाते हैं मार्कंडे पुराण में, ये मार्कंडे पुराण में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि यही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। ये देखिए मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी,
और ये गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, प्रकाश से केवल मुद्रक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, इसके 123 पृष्ठ पर, ये 122-123 पर हम दे पढ़ाएंगे आपको, 122 से हम नीचे लेंगे थोड़ा सा। मार्कंडे जी बोले, ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं मुने, अब यहाँ आ जाते हैं 123 बिल्कुल सामने इसके, यहाँ पर इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद देवी भागवत खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित, जिसमें संस्कृत भी साथ है, श्रीमद देवी भागवत, ये देखिएगा, इससे भी सिद्ध होगा। भाग एक ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित, अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टीकम स मात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। अब इसके तीसरे सकंद में आते हैं, तीसरे सकंद में ये है, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। और अब इसके हम यहाँ आते हैं 11 पृष्ठ पे, देवी भागवत 11 पृष्ठ, और ये है तृतीय सकंद अध्याय 5 का अब मंत्र नंबर हम 8 पढ़ेंगे, ये 7 यहाँ समाप्त हो गया, 8वां प्रारंभ है। हे माता, हे मातर, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। शिव जी बोल रहे हैं, शंकर भगवान, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण, सत्वगुण युक्त किए हैं, किस प्रकार युक्त किए हैं। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे, यही 7वां जो श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, क्यों कैसे मैं बना दिया, क्यों बना दिया, शंकर भगवान कह रहे हैं तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया, कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को कैसे आपने रजोगुण बना दिया, और सोवित के मुंह सतोगुण हरि, किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभू ना हो मुक्ति। उसमें ये कुनीन के तरह कड़वे लगे थे ये वचन परमात्मा की सच्चाई के, क्योंकि हम अज्ञान से ओत प्रोत थे, फुल ओवर फ्लो हो रहा था ज्ञान हमारे अंदर। अब उसको सेट करने के लिए कितना प्रमाण देने पड़ते हैं, अपन ये पवित्र श्रीमद् भगवद गीता आपके बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और हम फिर आते हैं पृष्ठ 7वें अध्याय पर, ये अध्याय नंबर 7 और ये श्लोक नंबर 12। अब हम शुरू से करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत अनमोल ज्ञान है। ये देखिएगा, ये 7वां अध्याय है, यहाँ देखिएगा। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति तथा
अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति एवं बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबसे के आत्म रूप मुझको संसार ही जानेगा उसको सुन। अब दूसरे मंत्र में, पहला आपने सुन लिया, दूसरे में मैं तेरे लिए इस विज्ञान सही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा। तत्व ज्ञान नहीं है यो, इस ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा। और जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कमाल कर रखा है इसमें, क्या बताया है। अब तीसरे में क्या कहा है, तीसरा दूसरा हमने पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यानी भगवान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एक कोशिश करता है, और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्रयाण होकर मुझको बजता है। अब ये क्या कहता है कि नहीं तो कोई विष्णु ने कोई ब्रह्मा ने पता नहीं कोई अन्य देवताओं को पूजता है, तत्व अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, कोई एक मुझे जानता है। चौथे में कहा है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब यहाँ देखो दो प्रकृति बता दी इसने, एक तो प्रकृति ये है जो ये सारी आठों जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये तो है आठ प्रकार से विभाजित, ये तो है जड़ प्रकृति, ये तो जड़ प्रकृति। और इससे दूसरी वो दुर्गा है, ये दुर्गा की तरफ संकेत है। जैसे बुद्ध आत्माओं, जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, एक तो जड़ प्रकृति है और दूसरी जो है ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पर श्रीमद् देवी भागवत, फिर दिखाते हैं आप। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही की वही 100 संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पर जो आपको पहले दिखाया था उसी में। फिर थोड़ा सा ये देखते हैं, अब भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। दुर्गा को कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारे ही कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव मन जन्म त्रोभाव मन मृत्यु, केवल तुम ही नित्य हो जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, अब आएगा काम ये प्रकृति शब्द गीता जी में आप कहें